2002 में ये डेरिवेशन एक दफा आई थी। क्वेश्चन है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अटैच विद अ स्प्रिंग लाइंग इन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है, वो मैंने बता दी अभी आपको, लिख भी दी। एन ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन ड्यू टू अ रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक। ऑसिलेटरी मोशन है और पीरियोडिक भी है, किसकी वजह से हो रही है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट फॉर्म में SHM। ऑसिलेटरी हो, पीरियोडिक हो, किसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो, वो क्या कहलाती है? ऑसिलेटरी क्या है? टू एंड फ्रो। पीरियोडिक क्या है? एक खास वक्फे के बाद अपने आप को दोहराए। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? वो फोर्स जो बॉडी को मेन पोजिशन की तरफ लाने की कोशिश करे। या दूसरी डेफिनेशन ये एक्सेलरेशन से निकलती है, अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? मेन पोजिशन की जाने। जब डिस्प्लेसमेंट राइट पे, बॉडी की मोशन राइट पे, तो स्प्रिंग उसको लेके आएगा लेफ्ट पे, तो एक्सेलरेशन होगा लेफ्ट पे। जब स्प्रिंग लेफ्ट पे आएगा तो वो बॉडी को लेके जाएगा राइट पे, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ पर होगा? राइट पर। अच्छा, अब हमने एक्सप्रेशन शुरू किया। कंसिडर अ स्प्रिंग मास सिस्टम एज शोन, तो यही वाली डायग्राम आप बना दें, ठीक है? इसके से पहले बना दें, इसके बाद बना दें। इस स्प्रिंग और मास को मिला के क्या कहते हैं? स्प्रिंग मास सिस्टम। द मास इज डिस्प्लेस एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट पोजिशन। ओ, मास को हमने हटाया, एफ एक्सटर्नल लगा दी और रिलीज किया, छोड़ दिया, तो क्या हुआ? एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट्स ऑसिलेशन ड्यू टू इलास्टिंग रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की फोर्स की वजह से क्या किया? ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। हमने फर्ज किया कि x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, fr क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है, और a क्या है? एक्सेलरेशन है। ये एक अंग्रेज साइंसदान था, इंग्लैंड गोरा, हॉक्स, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर मैट्रिक में, यार पढ़ा होगा ना? हॉक भाई ने कहा था कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगी। जितना आप स्प्रिंग को दूर लेके जाओगे, स्प्रिंग उतनी ज़्यादा फोर्स एक्शन का मास स्प्रिंग को खींचेगा, तो स्प्रिंग मास को खींचेगा। जब हमने फोर्स हटा दी तो फिर तो स्प्रिंग ही है, लेकिन जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा स्प्रिंग उतनी फोर्स, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। जब बॉडी राइट पे जा रही है तो स्प्रिंग की कोशिश क्या है? उसको लेफ्ट पे लाने की, और जब बॉडी लेफ्ट पे जा रही है तो स्प्रिंग की कोशिश क्या है? उसको राइट पे लाने की। तो डायरेक्शन को अपोजिट को फिर हम वेक्टर साइन में या वैसे कैसे शो करते हैं? माइनस से। तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन माइनस क्या बता रही है? डायरेक्शन अपोजिट है। इक्वल लगाया प्रोपोर्शनलिटी की साइन को ख़त्म करने के लिए, और कांस्टेंट लगाया, ये कांस्टेंट के, तो के मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स क्या हो गया? माइनस के एक्स। कॉन्स्टेंट के है, ये माइनस एक्स वाला माइनस है, ठीक है? तो एफ आर बराबर हो गया माइनस के एक्स, यहाँ तक उतार लो। ये नहीं, मैंने इजाफा कर दिया, नेगेटिव साइन शोज दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू एक्स। ये माइनस साइन एक्स के साथ ही ना, जबकि लिखा तो माइनस को मिला लिया हमने, ठीक है? अब क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स ही मोशन करा रही है, सिर्फ यही फोर्स है। चैप्टर थ्री में जब हमने मोशन पढ़ी थी तो मैंने बताया था ना, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें टोटल फोर्स निकालनी होती है। अब टोटल फोर्स एक ही फोर्स है, तो जो टोटल फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स ही के बराबर है। टोटल फोर्स एम है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? माइनस के एक्स। ए निकालना, एम यहाँ के डिवाइड हो गया, ये उसने कहा था, ए का फॉर्मूला निकालो, बस डेरिवेशन यहाँ क्या होगी? ख़त्म होगी। अब एम सी क्यूज है, हमें कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। ये जो के निकाला, इसको कहते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट।
तो एफ आर को अगर मैं एफ ही कहूँ, सही है, फोर्स ही है ना एफ, तो एफ आर या एफ किसके बराबर है, के एक्स के, माइनस की बात नहीं कर रहे ना अभी, वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो के किसके बराबर हो गया, एफ अपॉन एक्स, यूनिट क्या है, फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर, डायमेंशंस क्या होगी, फोर्स की एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस की एल, एल से एल कैंसिल, एम टी माइनस टू। ये वैसे हमें फॉर्मूले से लग रहा है के की वैल्यू डिपेंड करेगी एफ पर और, लेकिन ऐसा नहीं है, ये देखिए मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड ऑन एफ एंड एक्स, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटीरियल ऑफ द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करेगी कि स्प्रिंग हमने किस मटेरियल से बनाया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है, छोटा स्प्रिंग है, बड़ा स्प्रिंग है, उसके हल्का बन, तार हल्की है, तार पतली है या तार मोटी है, मटेरियल एंड नेचर भी कह लें, उस पर डिपेंड करेगा। देखिए मुराद क्या है, मुराद ये है कि एक स्प्रिंग आपने ले लिया, आपको दे दिया गया वो स्प्रिंग, अब जब आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप के निकालोगे ज़रूर, के एफ अपॉन एक्स, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, फर्ज करें आपने एक्स रखा वन, तो देखा स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है दो न्यूटन, आपने एक्स रखा टू तो स्प्रिंग फोर्स लगा देगा फोर, आपने एक्स रखा थ्री तो स्प्रिंग फोर्स लगा देगा सिक्स, आंसर हमेशा क्या आएगा टू। तो एफ की वैल्यू चेंज करने से और एक्स की वैल्यू चेंज करने से के चेंज, आप एफ चेंज करोगे तो एक्स भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक्स चेंज करोगे तो एफ भी, ये दोनों चेंज होंगे, हमने यही कहा ना एफ और एक्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एफ डबल होगा तो एक्स भी डबल हो चुका होगा, इसलिए के की वैल्यू अगर आपको एग्जाम में दे दी जाए, के की वैल्यू फोर्स पर डिपेंड करती है, के की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, के की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, अगर वो आपसे क्या के को काट दिया दो टुकड़े कर दिए, क्या वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, सही है, समझ गए। अच्छा, अब ये जो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला, इसमें अगर के अपॉन एम को मैं अलग कर लूँ और माइनस एक्स को अलग कर लूँ, तो के अपॉन एम के क्या है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, मैंने बताया ना स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग हमने ले लिया था उसके लिए के क्या है, फिक्स, वो चेंज नहीं होगा, उसके बाद जो मास बांध दिया वो भी क्या है, फिक्स, वो भी चेंज, फर्ज करें के 10 है और एम 2 है, तो 10 अपॉन 2 क्या होगा, 5, हमेशा 5 ही आएगा, क्योंकि ना हम स्प्रिंग चेंज कर रहे हैं ना हम मास चेंज कर रहे हैं, ना हम स्प्रिंग चेंज कर रहे हैं ना हम, तो के अपॉन एम हमेशा 5 ही आएगा, तो ये भी कॉन्स्टेंट है, इक्वल और कॉन्स्टेंट को बताया तो क्या हो गया, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस। बहुत सी डेरिवेशंस आती हैं, दो बेसिकली इसके अलावा और हैं, अब तो एक कोर्स से निकाल ली गई है। अगर आपसे कहा जाए प्रूव करेंगे कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, तो आप ये करेंगे, आप ये प्रूव करेंगे कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, ये इस तरह प्रूव करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। हमने जो चैप्टर वन का आपका टेस्ट लिया था कल, मैं इंशाल्लाह वो सॉल्व कराऊंगा, पहले ले गया ये कल सारे मिल गया है ना रिजल्ट, फिर हम देखेंगे आपके मॉडल पेपर का पैटर्न आ गया, मॉडल पेपर आ गया वो देख लेंगे, और चैप्टर 7 के एमसीक्यूज के नोट्स ले लिए वो भी इंशाल्लाह कल करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे।